गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम क्रिकेट 24 के 12 न्यू फीचर्स के बारे में बात करने लगे हैं जो क्रिकेट 22 में नहीं थे। तो आज उनके फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हमें पहला फीचर हमें देखने को मिल रहा है जो क्रिकेट 22 में नहीं था, जो फीचर्स इसमें हम ऐड करने वाले हैं क्रिकेट 24 में, तो वो था जी गेम प्ले। थोड़ा सा आपने देखा होगा कि उसमें गेम प्ले थोड़ा सा इतना रियलिस्टिक नहीं था क्रिकेट 19 के मुकाबले में। क्रिकेट 19 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, तो उसमें काफ़ी आपको बदलाव देखने का मिलेगा क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिकेट 24 काफ़ी नया गेम आ रहा है, तो उसमें गेम प्ले देखने को हमें चेंज मिलेगा। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं जो मतलब रियलिस्टिक इतना फील नहीं कर रहा था क्रिकेट 22 में। अब देखो का मतलब जो मतलब कार्टून बंदे जो थे, कार्टून वगैरह कार्टून टाइप थे, ठीक है, तो उसमें भी आपको रियलिस्टिक इतना काफ़ी कुछ देखने को मिलने जा रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिकेट 23 में काफ़ी कुछ रियलिस्टिक है, फील्डिंग एनिमेशन होगी और फील्डिंग कैच किस तरह छूटता है वगैरह सब कुछ, तो काफ़ी कुछ फेसेस बिल्कुल रियल नज़र आ रहे हैं आपको ट्रेलर में। आपने बेशक देख भी लिया होगा, नहीं देखा तो मेरी दूसरी वीडियो जाके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा तीसरे नंबर पे जहाँ तक है कि जब डाई मार के कैचेस वगैरह कीपर एंड फील्डर्स पकड़ेंगे आपको दिखने को मिलेंगे, और आपको न्यू स्टेडियम देखने को मिलेंगे और बिल्कुल रियलिस्टिक स्टेडियम होंगे, क्राउड भी रियलिस्टिक होगा, तो आपको बहुत ही कमाल की चीज़ें देखने को मिल रही हैं इसमें। तो इसमें एक और बैड मैं ऐड करता चलूं कि इसमें आपको वो न्यू कैमरा एंगल्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ब्रॉडकास्ट वगैरह बिल्कुल रिप्ले देखने को अच्छा सा मिलेगा क्योंकि पिछली जो क्रिकेट 22 में चीज़ें थी इसमें और अपग्रेड होके अच्छी उसमें आएंगी, तो काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। और जल्दी होप करते हैं जल्दी जल्दी गेम आए हमारे पास और हम जल्दी से खेलने को मिले। मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे मुझे पता है, तो कमेंट्स में सारे बताना कौन कौन एक्साइटेड है, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेलर के शुरू में ही देखने को मिल जाते हैं हमें जेम्स एंडरसन, तो ये हमें एशिश देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें देखने आपको बॉलिंग एक्शन कितना रियलिस्टिक मिल रहा है, तो काफ़ी कुछ आपको देखने को इसमें मिलेगा जो हमें नहीं पता, यानी कि कंपनी अपने उसमें भी मतलब हाइड भी करके रख सकती है, और जैसी मतलब अगर रखें तो फिर जैसी गेम आए तो हमें तब पता चले कि काफ़ी कुछ बदलाव हो गया या नहीं हुआ, तो इसके बारे में कंपनी को देखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा बाकी कैमरा एंगल्स हो गए, ठीक है। एलईडी स्क्रीन आ सकती है इसमें क्योंकि आपने देखा होगा कि मोबाइलों में आजकल आ गई है एलईडी स्क्रीन, उसको भी ऐड कर दें। बाकी आपने देखा होगा कि फुल टॉस फीचर्स आपने काफ़ी कुछ नोट किया होगा बिल्कुल, क्योंकि गेम रियलिस्टिक जब तक नहीं होगी, क्योंकि जब रियल में जब जैसी चीज़ें नहीं आएंगी तो कभी रियलिस्टिक नहीं होगा। तो फुल टॉस फीचर हो गया, एलईडी फीचर्स हो गया, न्यू कैमरा एंगल्स हो गए, फील्डिंग एनिमेशंस हो गया, और काफ़ी कुछ ऐसा जो है जो कंपनी खुद भी मतलब बॉलर जब बॉल करता है तो उसकी ब्रीथ का बाकी KPH MPH हर चीज़ इनको चेक करनी पड़ेगी, अंपायर का डिसीजन वगैरह, रिव्यू सिस्टम वगैरह बिल्कुल न्यू अपग्रेड करना पड़ेगा जो अभी तक आया था। तो गाइस ये हमारे फीचर्स थे जिसके बारे में जो रह गया तो वो कमेंट्स में हमें बता देना, उसकी भी नेक्स्ट वीडियो उसके लिए उसमें बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।